आप गलत कर रही हैं। प्लीज जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत करेगा। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी बल्कि तुम्हें मेरी बात सुननी और समझनी चाहिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया। आपने सिद्रा को बुला लिया तो मुझे गुस्सा आ गया, उसके लिए मैं सॉरी करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सिद्रा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये बात नहीं समझ आती है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा और आपके रास्ते में भी नहीं आऊंगा, बल्कि मैं सबसे दूर चला जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैं सिद्रा से शादी नहीं करूंगा, बल्कि किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, इसलिए बनवाया था तुमने स्टूडियो? बकवास बंद करो, अपनी लिमिट में रहो। यू शट अप। कोई अंधा भी देखकर समझ जाए कि तुम दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। अफान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर में एक जवान बहन रहती है और यानी तुम तो मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर होगा। सुन लिया तुमने? मिल गया तुम्हें चैन? यही चाहते थे ना तुम कि घर का हर एक बंदा मेरी किरदार कशी करे। अब सुन लो, लेकिन तुम्हें किसी चीज का कोई एहसास नहीं हो रहा। जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? और आप प्लीज जरा होश में आए, एनी की दुश्मन क्यों बनती जा रही हैं? ये सवाल एनी को खुद से करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से घर में हर कोई एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है। मैं मानती हूँ ये शादी तुमने मुझ पर एहसान करने के लिए की थी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम बेवा हो जाने के बाद अपने ही देवर में इन्वॉल्व हो जाओ। एनी, तुम ऐसी तो नहीं थी। एमन, ऐसी तो तुम भी नहीं थी कि तुम अपनी बहन पर शक कर रही हो। अपनी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे, बड़ी बहन होने के नाते मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम इज्जत के भी काबिल नहीं हो। खबरदार, और कुछ भी कहने से पहले मुझे इस बात का जवाब दो, इस वक्त अफान तुम्हारे स्टूडियो में क्या कर रहा था? भाभी, बस बहुत हो गया, अब आप कुछ और नहीं बोलेंगे। अगर तुम्हें जवाब चाहिए ना तो फिर अपने देवर से पूछो कि ये मेरे स्टूडियो में क्या कर रहा था। बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? एनी, आप तो चुप कर जाए। अगर तुम्हें मुझे चुप करवाना है ना तो तुम सिद्रा से शादी कर लो, क्योंकि जब तक तुम्हारी और सिद्रा की शादी नहीं होगी ना, मैं खामोश नहीं रहूंगी। और शहरयार भाई, खुदारा अपने भाई को समझा कि वो सिद्रा से शादी कर ले, ताकि जो इल्जाम मुझ पर लग रहे हैं मैं उनसे बरी हो जाऊं।